तो दोस्तों यहाँ पे श्याम मेटालिक का आईपीओ आ चुका है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी की बात करें तो 2002 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो अभी 2021 चल रहा है, तो यानी कि 19 ईयर्स का यहाँ पे मार्केट प्रेजेंस इस कंपनी का हो चुका है। तो देखिए कंपनी काम क्या करती है, देखिए मेटलिक्स एंड एनर्जी, इनके नाम में ये बता रहे कि मेटल कंपनी है। तो एक मेटल प्रोड्यूसर ये कंपनी है, यानी कि मेटल को प्रोड्यूस करने का ये कंपनी काम करती है। अब इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, यानी कि क्या प्रोड्यूस करती है कंपनी। तो देखिए लॉन्ग टील प्रोडक्ट को यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जिसके अंदर आयरन पैलेट, स्पॉन्ज आयरन और स्टील बिलेट जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब कंपनी की अगर हम खास बात करें, मतलब कहाँ पे कंपनी की जो अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो देखिए कंपनी इंडिया के अंदर फेरो एलॉयज की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फेरो एलॉयज को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी श्याम मेटालिक है। तो देखिए यहाँ पे फेरो एलॉयज के अंदर यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर यहाँ पे श्याम मेटालिक का है। अब उसके अलावा फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर यहाँ पे स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में भी कंपनी का है। तो देखिए ये अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक मोनोपोली के वे में यहाँ पे काम करता है, क्योंकि तो अच्छा मार्केट शेयर अगर कंपनी का है तो उसे मार्केट पॉजिटिव वे मिलेगा, तो इसीलिए ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखिए कंपनी के अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो जिंदल स्टेनलेस जो कंपनी लिस्टेड है वो यहाँ पे इसके कस्टमर है, और रिमजीत इस्पात लिमिट, ये दोनों जो कंपनीज है ये इंडिया के डोमेस्टिक क्लाइंट है, यानी कि इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं उसमें ये दोनों क्लाइंट यहाँ पे इस कंपनी के है। अगर हम फॉरेन की बात करें, यानी कि जो आउट ऑफ इंडिया के जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, तो वो देखिए नॉरकॉम, डीएमसीसी, नॉरकॉम लिमिटेड, तो ऐसे करके ये बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ऐसे टोटल यहाँ पे कंपनी का काम यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया में भी होता है, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है और अपने डोमेस्टिक क्लाइंट को भी यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है, यानी कि जो मेटल प्रोडक्ट्स हैं वो बेचती है। अब देखिए कंपनी की जो पार्टनरशिप है वो 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ है, और जो अपने प्रोडक्ट्स है वो 13 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक यूनियन टेरिटरी में। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का काम अच्छा खासा है। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो अभी फिलहाल कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। देखिए एक संबलपुर में है जो कि ओडिशा में है, और जो दूसरी है वो है जमुरिया, और तीसरी है मंगलपुर में। तो मेन अगर देखा जाए ओडिशा और वेस्ट बंगाल यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब देखिए अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें तो वो अभी 5.71 मिलियन टन, यानी कि पूरे साल में यहाँ पे कंपनी 5.71 मिलियन टन की यहाँ पे मेटल यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकती है। और कंपनी ये जो 5.71 मिलियन टन का जो यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसको 11.60 NTPA पे ये ले जाना चाहती है, और उनका टारगेट है कि 2025 तक वो इस टारगेट को अचीव कर सके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो कंपनी के एग्रेसिव प्लान से ऐसा लगता है कि आने वाले साल में, मतलब आने वाले 2 से 3 इयर्स में वहाँ पे कंपनी ये टारगेट अचीव करती हुई नजर आ सकती है। अब ये देखिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या, यानी कि कंपनी के पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं उसके बारे में फोकस करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि एक इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, और जब यहाँ पे इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर बनता हुआ नजर आ रहा है मेटल्स का, तो वहाँ पर इस कंपनी को एक और प्रीमियम वैल्यूएशन वाला बेनिफिट मिल सकता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी की है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे कंपनी का अच्छा है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मेटल्स यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो उससे इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी एकदम वाइड है। अब जो चौथी बात है वो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स जो उसमें कोई लॉस नहीं है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एकदम अच्छी है। अब ये इश्यू क्यों, मतलब कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, तो देखिए कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं SSPL उसका वहाँ पे कंपनी डेट चुकाना चाहती है, या तो पार्शियली या फुली कंपनी उसको डेट को चुकाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी डेट जो इश्यू है वो यहाँ पे लेकर आई है, यानी कि आईपीओ लेकर आई है। और नॉर्मल जो वर्किंग कैपिटल के इश्यूज होते हैं तो उसको यहाँ पे कवर करने के लिए ये आईपीओ लेकर कंपनी आई है।
अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो ये देखिए आप, अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो 2020 के अंदर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ था, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इस साल कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया, लेकिन ये सिर्फ 9 महीने का परफॉर्मेंस है, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का ही ये परफॉर्मेंस है। तो इसीलिए तो अगर आप देखोगे 3,995 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस पूरे 9 महीने वाले जो तीनों क्वार्टर्स हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक उसमें रहा है। तो पर क्वार्टर अगर हम देखें तो 1300 करोड़ का भी अगर कंपनी का रेवेन्यू होता है तो 5,200 करोड़ का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 18 के बाद 19 में बढ़ी थी, फिर 20 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, लेकिन इस बार आप देखिए 9 महीने में कंपनी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुकी है। यानी कि जो दूसरे हमारी मेटल कंपनीज हैं हिंडालको, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, उनकी जैसी प्रॉफिटेबिलिटी है वैसे ही स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, आईपीओ की जो फंडामेंटल्स जो उसके बारे में बात कर ली, अब यहाँ पे आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आईपीओ 14 जून से स्टार्ट होगा और 16 जून को बंद हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की यहाँ पे फेस वैल्यू है और जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो है 303-306। यानी कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप ये मान के चलिए कि आपको एक शेयर के 306 रुपये देने हैं और 45 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, मार्केट लॉट। अब इसके बाद इश्यू साइज यानी कि 909 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसमें से 657 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इश्यू, यानी कि कंपनी अपने जो ग्रोथ, जो डेट कंपनी को चुकाना है उसके लिए यहाँ पे कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी। और जो ऑफर फॉर सेल यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं तो वो यहाँ पे है 252 करोड़ का वैल्यू यहाँ पे उसका है। अब ये देखिए अगर हम बात करें आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की तो 21 जून में यहाँ पे इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है। और अगर रिफंड की बात करें, मतलब अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 22 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा, 23 को अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 23 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 24 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करें तो ये देखिए इसके अंदर अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 13,770 रुपीज़ होने चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर के अंदर आप मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर 1,92,780 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। तो देखा जाए तो बेसिकली अराउंड 15,000 के लगभग का आईपीओ होता है तो यहाँ पे अराउंड 2,000 रुपीज़ का उसके नॉर्मली डिस्काउंट है, तो उसकी वजह से यहाँ पे 14 लॉट आपको नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है वो है वैल्यूएशन का। तो देखिए 14.57 का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, तो अगर आप देखोगे तो 306 का यहाँ पर इसका क्या है प्राइस बैंड है, तो अगर अभी जो कंपनी का प्राइस है उसके हिसाब से जो इसका 21:22 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है तो देखिए वैल्यूएशन तो यहाँ पर आपको थोड़े से एक्सपेंसिव नजर आएंगी क्योंकि तो अभी न्यू यहाँ पे कंपनी का आईपीओ लिस्ट होगा और उसके बाद मार्केट में कैसे एक्सपेक्टेशन रहते हैं तो यहाँ पे न्यूली लिस्टेड का प्रीमियम वैल्यूएशन रहने वाला ही है, तो ये बात आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 12.04% का यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो बाकी जो लिस्टेड कंपनीज है जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील उनका भी नेट वर्थ इतना ही है। अब नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं तो 120.97 का यहाँ पे नेट एसेट का वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू यहाँ पे कंपनी का 120.97 है। तो अराउंड अगर हम देखें तो 2.5 यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी एक अच्छी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फेलो एलॉयज में, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 140 रुपीज़ का, यानी कि जो कंपनी का 306 रुपये का प्राइस बैंड है उसके ऊपर 45% का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है। यानी कि लिस्टिंग पे अगर अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो अराउंड 6,000 रुपये का मुनाफा आपको लिस्टिंग पे देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो बुल मार्केट अभी हमको चलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आईपीओ में लिस्ट
शिफ्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है। अब बात आती है क्या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रख सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से जो मेटल की अगर हम बात करें, जो पूरी मेटल की साइकिल है वो अभी लॉन्ग टर्म बुलिशनेस बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और ऐसा लगता है कि जो डिमांड यहाँ पे चाइना ने क्रिएट की है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो डिमांड चाइना ही हमको कम करता हुआ नज़र आए। तो इसीलिए मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से ज़रूर यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको श्याम मेटलिक के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।